सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ब्लॉग है बाइक पे, मेरे R15 पे, जो कि पांच मेजर एडवांटेज बताएंगे। पांच एडवांटेज पे हम वीडियो बना चुके हैं, अगर वो कोई नहीं देखा है तो वो चेक कर सकता है। और इसका पांच डिसएडवांटेज बताते हैं जो कि हम फेस किए, और क्या पांच डिसएडवांटेज हैं वो चीज़ हम बताते हैं। अगर पांच डिसएडवांटेज से बात करें तो फर्स्ट तो इसका ये सीटिंग पोस्चर, जो कि लॉन्ग राइड पे हम लोग चल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा ही सीट, मतलब क्या बोल, बहुत ज़्यादा ही लीन करके चलाना पड़ता है, जिससे रिस्ट में मतलब पेन होने लगता है। पहला तो डिसएडवांटेज इसका सीटिंग पोस्चर है। और सेकंड डिसएडवांटेज का बात करें तो इसका ब्रेकिंग, हमको ब्रेकिंग इसका पसंद उतना नहीं आया, क्योंकि पीछे का ब्रेक तो कोई काम का है ही नहीं। और पीछे का ब्रेक, हमको लगता है मेरा साल 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है बाइक का, तो हम तो वैसा बाइक को ज़्यादा यूज भी नहीं किया, बट इसका ब्रेक पूरा ख़त्म हो चुका है। और फिर जब हम सर्विस कराने गए अपनी बाइक का, तो इसका सर्विस सेंटर वाला बोला, जो इंजीनियर मेरा बाइक को कर रहा था, वो बताया कि इसका ब्रेक शू ख़राब हो गया है। तो हम कॉस्ट जब पूछे तो इसका कॉस्ट भी 1000 बताया, जबकि बजाज का देखे तो वो कम नहीं आता, जो कि 200cc बाइक है RS। खैर, सेकेंड डिसएडवांटेज तो यही है, इसका ब्रेकिंग हमको पसंद नहीं आया, ब्रेकिंग इसका एकदम अच्छा नहीं। अगर 100 के स्पीड में चल रहे हैं तो ब्रेकिंग में मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि हाँ बाइक रुक जाएगा। सो सेकेंड डिसएडवांटेज ये है। और अगर थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो थर्ड डिसएडवांटेज है इसका पीछे पिलियन वाला। अगर आपके घर में, अगर आप चाहोगे अपनी मम्मी या कोई ओल्डर पर्सन को ले जाना इस बाइक पे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि ये इसका सीट का जो पीछे का, इसमें तो कम्फर्टेबल तो है ही नहीं, प्लस इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, ये दिख ही रहा बहुत ज़्यादा हाइट है, तो ये तो कम्फर्टेबल है नहीं। सो थर्ड डिसएडवांटेज हमको ये लगा। और फोर्थ डिसएडवांटेज का अगर हम बात करें तो इसका हेडलाइट का रोशनी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप हाईवे में चला रहे हैं और स्पीड में हैं, तो ये बाइक का हेडलाइट कोई काम का नहीं है, क्योंकि इससे रोशनी आता ही नहीं, बहुत ज़्यादा इसका कम लाइट है, बिल्कुल ही लाइट नहीं इसका। तो कोई रात में ये बाइक लेकर ट्रैवल करना चाहता है, तो ये बाइक रात में ट्रैवल करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें लाइट ही नहीं है। अगर आपको ट्रैवल करना है तो फिर आप अलग से लाइट लगवाओ, जो कि जो आता है आफ्टर मार्केट लाइट जो आता है, शायद यहाँ पे भी लगता है और यहाँ पर भी लगता है। तो फोर्थ रीज़न यही है इसके लाइट के बारे में, जो कि हमको ज़्यादा सही लगा नहीं और यूजेबल नहीं है, बस हाँ लुक के लिए है ये, कि लुक में ही सही लग रहा है, तो फोर्थ रीज़न। और मेन फिफ्थ रीज़न जो है, हमको इसका पेंट क्वालिटी, कुछ कुछ जगह का जो पेंट क्वालिटी, वो चीज़ हमको पसंद आया, जैसे कि ये यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ये पेंट क्वालिटी जो है, ये चीज़ यहाँ पर टियर हो रहा है इसका, कुछ कुछ और जगह पे, एक मेरा यहाँ पर भी है जो कि हल्का हल्का रस्टिंग कर रहा है, और भी बहुत, मतलब कोई जगह और भी एक दो जगह है जहाँ पे पेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, कि यहाँ से, वैसे तो हम यहाँ पे हैंडल पे ये चीज़ लगाए हुए, हैंडल प्रोटेक्टर लगाए हुए, तो यहाँ पे, वरना अगर जिसका कीज़ रहता है तो उससे ये पेंट का प्रॉब्लम भी आता है। तो फिफ्थ रीज़न यही है कि कोई कोई जगह पर इसका है जो पेंट क्वालिटी है, वो चीज़ अच्छा नहीं है। ये देख रहे आप, ये देख सकते हैं इधर भी ये पेंट टियर हो गया, जबकि ये गाड़ी मेरा कहीं पे लगा नहीं है, बस हाथ से ही जो आया उसी की वजह से। सो यही है फिफ्थ रीज़न की पेंट क्वालिटी, थोड़ा और इसका अगर अच्छा होता तो सही रहता। सो यही पांच डिसएडवांटेज है जो हमको इस R15 में पसंद नहीं आया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं रखते हैं, और मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ बाइक को रिलेटेड और भी कुछ ब्लॉग लाएँगे। सो थैंक यू।